हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कि आखिर मूवी वेबसाइट्स के लिए बेस्ट एड नेटवर्क प्लेटफॉर्म कौन सा है। जनरली देखो यार, इस तरह की वेबसाइट पे जो एडसेंस का अप्रूवल है यार, हमें मिल, अगर कहा जाए तो मिल तो सकता है, लेकिन यार कब डिसेबल हो जाए किसी को नहीं मालूम, क्योंकि यार एडसेंस के साथ मूवी वेबसाइट पे काम करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। ठीक है, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है भाई इस चीज को, तो एक बार एक्सपीरियंस कर भी लेना। ऐसा नहीं कि आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा मूवी वेबसाइट्स पे, डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आप ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी यार चैनल पे वीडियो बना के डाला हुआ है, तो जाके देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो एडसेंस के अलावा जो एक बेस्ट एड नेटवर्क कौन सा है जिसे आप अपने मूवी वेबसाइट पे यूज कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसका मैं पूरा आपको यार पूरा जो भी स्टैटिस्टिक्स है, जो भी रेवेन्यू रिपोर्ट्स वगैरह, सारा कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैं कौन सी वेबसाइट्स वगैरह पे यूज कर रहा हूं, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में यार डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो यहां पे गाइस जो मैं एड नेटवर्क की बात कर रहा हूं वो है गाइस एडस्टेरा। अब आप में से काफी लोग कहेंगे कि भाई मैंने भी इसका नाम सुना और मैंने भी अपनी वेबसाइट्स पे व्यूज वगैरह किया, लेकिन मुझे तो भाई इससे कुछ भी वगैरह रिजल्ट नहीं मिला। तो रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिला इसके ऊपर भी मैं अभी आपको बताऊंगा, और रिजल्ट किस तरह की वेबसाइट्स पे आपको इस तरह के एड नेटवर्क को यूज करने से मिलेगा वो हम बात करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो इसके ये जो एड नेटवर्क है यार, इसे मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ यार उन यूजर्स को जिसके पास मूवी की वेबसाइट्स है और उनकी वेबसाइट्स पे यार भर भर के ट्रैफिक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मूवी की वेबसाइट है और आपके वेबसाइट पे 200-300 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो उससे यार आपका इस एड नेटवर्क से बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होगा, यहाँ तक कि एडसेंस भी यार उस केस में कुछ नहीं करता। ठीक है, क्योंकि एडसेंस को तो यार इससे भी बहुत ही ज्यादा मतलब कि ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मूवी वेबसाइट्स पे वैसे एडसेंस आपको यार काफी ज्यादा लो सीपीसी देगा, मतलब 0.01 देगा। तो वैसे में अगर आपके वेबसाइट्स पे 1 लाख पेज व्यू के आसपास होगा तभी यार मतलब गिन चुन के 1000 से 2000 के आसपास क्लिक्स आएंगे, तब जाके आपके कुछ डॉलर्स बनेंगे भाई। ठीक है, जो कि मतलब कि 20-25 के आसपास हो सकता है डॉलर, इसके आसपास बनेगा। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा भाई एडसेंस के चक्कर में पड़ो, क्योंकि यार इस तरह की वेबसाइट्स में कब आपका एडसेंस डिसेबल हो जाए किसी को नहीं मालूम है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर आपको इसका रिपोर्ट चाहिए, मतलब कि मेरा कौन सा जो अकाउंट है वो ब्लॉक वगैरह हुआ, तो आप मुझे बता देना यार, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो आपको दे दूंगा, उससे आपको और भी अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि भाई हमें एडसेंस को मूवी की वेबसाइट से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के यार पछताना पड़ता भाई। ठीक है, मैं भी पछता रहा हूं, तो आपको ना पछताना पड़े, इसलिए मैं आपको ये एड नेटवर्क सजेस्ट कर रहा हूं। ये वन ऑफ द बेस्ट एड नेटवर्क है मूवी की वेबसाइट्स के लिए। तो इसका जो लिंक है यार वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। अभी मैं इसका लाइव जो रिपोर्ट है वो अर्निंग रिपोर्ट वो मैं आपके साथ शो करूंगा कि किस तरह से ये इंप्रेशंस वगैरह देता है, क्योंकि यहां पे देखो जैसे एडसेंस होता है वहां पे क्या होता है कि सीपीसी पे अर्निंग होता है। ठीक है, सीपीसी मतलब क्लिक थ्रू रेट, जो जितने क्लिक्स आएंगे उस हिसाब से आपके अर्निंग होगा वहां पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इंप्रेशन बेस्ड अर्निंग होता है और एक सीपीएम होता है। ठीक है, जिस पे आपको यहाँ पे अर्निंग प्रोवाइड होता है, तो वो किस तरह से होता है वो भी अभी लाइव आपको पता चल जाएगा, मैं रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा। तो इसका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको साइन अप करना है तो साइन अप कर लेना वहां से। और साइन अप करने का जो प्रोसेस है यार बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपली आपको साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो ये तीसरा जो सॉरी ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है एज अ पब्लिशर, इसे आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम, ईमेल आईडी डालना है। मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी आपका जो भी है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए डमी ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से आपको करना है लॉगिन वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, फिर आपको लॉगिन जो भी ईमेल आईडी जो आपने प्रीवियसली डाला वो यहाँ पे सेम डाल देना। फिर यहाँ पे एक पासवर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना, कोई भी पासवर्ड आप रैंडमली रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इनमें से जो भी अकाउंट है, लाइक जैसे टेलीग्राम है तो टेलीग्राम सेलेक्ट करके यहाँ पे टेलीग्राम का जो यूजर आईडी वो आप डाल सकते हो, नहीं तो फेसबुक का भी प्रोफाइल आईडी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो पेमेंट जो गेटवे वो सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा पेपल ही आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास पेपल का अकाउंट नहीं तो सबसे पहले यार पेपल का अकाउंट क्रिएट कर लो, उसके बाद भाई आपने यहां से पेपल को ही सेलेक्ट करना है। अगर पेपल का अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो बता देना, इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद पेपल को आपने यहां से सेलेक्ट कर लेना, सॉरी
पेपल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पे जो पेपल की आपकी ईमेल आईडी वो आपको डाल देना है, उसके बाद जो आपका वेबसाइट है उसका जो यूआरएल है वो आपको यहाँ पे डालना है, देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, देन फिर आपके ईमेल पे एक मतलब कि मेल आएगा, देन वहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना, उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, देन फिर आप एडस्टेरा से अर्निंग आप अपनी स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो अप्रूवल है ना आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल इन मिनट यार आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अप्रूवल के लिए आपको सप्ताह दो सप्ताह महीना ऐसा कुछ भी मतलब कि वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे आपके पास किसी भी तरह की वेबसाइट है ना सब पे अप्रूवल इंस्टेंटली मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यार अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से अर्निंग वगैरह होता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ साइन इन पे क्लिक, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट है तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल देता हूँ, तो ईमेल आईडी डाल देते हैं भाई, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइन। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस अभी जो करेंटली यहाँ पे जो हमारा बैलेंस है वो है $655, ठीक है। तो यार ये ऐसा नहीं है भाई ऐसा फेक वगैरह, ये वेबसाइट है बिल्कुल लेजिट वेबसाइट है, ये भी यार एडसेंस की तरह काफ़ी पहले से भाई इंडस्ट्री में काम कर रही है। जैसे प्रोपेलर ऐड है यार, प्रोपेलर को भी मैंने यूज़ किया लेकिन यार वो इसकी जैसा अर्निंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है मुझे मूवी वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो वेबसाइट्स वगैरह जो है गाइस वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यार, ठीक है। और उस पर यार मेरा पहले एडसेंस का भी अप्रूवल था, एडसेंस से भी मैंने काफ़ी अच्छा यार अर्निंग किया, लेकिन भाई एडसेंस मेरा उस पर डिसेबल हो गया, देन फिर मजबूरन यार मुझे इस पे काम करना पड़ रहा है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि यार देखो जब आप एडसेंस के साथ काम करते हो ना तो आपको यार एडसेंस की लत लग जाती है, तो फिर एडसेंस को छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन आप तो नहीं छोड़ना चाहते लेकिन आपको एडसेंस कब छोड़ के चला जाए कोई पता नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप अपने दिमाग में मतलब कि ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको बैकअप बना करके चलना पड़ेगा, तो यार ये एक अच्छा बैकअप प्लेटफॉर्म मुझे लगा जिसे मैंने अपनी मूवी वेबसाइट्स को यहाँ से मोनेटाइज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 month की अर्निंग है भाई, ठीक है। 1 month में मतलब कि 6 to 7 days आप कम ही समझ लो, ठीक है, उतने की ही अर्निंग है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ यार जिस वेबसाइट से मैंने ये अर्निंग किया, तो यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट्स कनेक्ट किया गया वो है freshersrecruitment.com, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये भाई वो पर्टिकुलर वेबसाइट है, और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे यार पहले एडसेंस का भी अप्रूवल था और काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग हो रहा था यार। स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग हुआ था, 0.05 का CPC मिला था, और एक बार तो यार 0.18 का भी CPC मुझे मिल चुका है भाई मूवी की वेबसाइट्स पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है यार DMCA वगैरह का बहुत ही बड़ा पंगा होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना हुआ, ठीक है, किस तरह से आपको DMCA वगैरह से बचना है मूवी वेबसाइट्स पे, इसके ऊपर भी हम बनाएंगे वीडियो, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे यार काफ़ी अच्छा खासा मैंने अर्निंग किया था, लेकिन यार मेरा जो एडसेंस है वो डिसेबल हो गया, वो मेरी एक गलती के कारण हुआ था, ठीक है। वो गलती मैंने क्या किया था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अभी फिलहाल तो यार इस पे एडसेंस का अप्रूवल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने Adsetera का ही जो एड है वो लगा रखा है, तो यहाँ पे पॉप एड्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और इन और देखो यार अगर आपको जो भी लेटेस्ट मूवीज वेब सीरीज वगैरह देखना है तो यहाँ पे वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ, ठीक है, सिमिलर वेब से। तो यहाँ पे जो अभी फिलहाल ट्रैफिक चल रहा है यार वो 5 lakh अबव ट्रैफिक है, पहले तो भाई 1 million टच करता था जब एडसेंस था, तो यहाँ पे मैंने पॉप एड्स की वजह से यार थोड़ा सा ट्रैफिक डाउन हुआ, क्योंकि यार क्या होता है ना पॉप एड्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं यूजर्स को इरिटेट भी करता है, क्योंकि जब भी आप कहीं क्लिक करोगे तो पॉप एड्स ओपन हो जाएगा, तो आप मतलब कि जो लिंक है जो मेन लिंक होता है वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाते हो, तो जिससे यार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करें यार अर्निंग का कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है तो मजबूरन इस चीज़ को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, जो भी ब्लॉगर वगैरह हो तो आप समझते होंगे इस चीज़ को अच्छे से। तो ये वो वेबसाइट है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसका यहाँ पे CPM वगैरह क्या मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं स्टैटिस्टिक्स पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे देखो ये कुछ एनालिटिक्स रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे यार जितना अच्छा आपका CPM होगा ना उतना अच्छा आपकी अर्निंग होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 1000 इंप्रेशंस पे आपको CPM के हिसाब से रेट्स मिलता है, देख पा रहे हो, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 86,658 के आसपास इंप्रेशंस आया है एड्स का, जिसमें 22 क्लिक्स मुझे मिले हैं, और CTR यहाँ पे 0.025% रहा है,
और सीपीएम की बात करूं तो यहाँ पे यार मुझे 0.748 का सीपीएम मिला, मतलब कि 1000 इंप्रेशंस पे मुझे 0.748 डॉलर मिला है, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट कर लो भाई 86,000 इंप्रेशंस के हिसाब से, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू बनता है यार वो बनता है 64 डॉलर के आसपास, ठीक है। उसी तरह से यार जो अर्निंग है यार वो थोड़ी बहुत यहाँ पे कम भी होती रहती है, ज़्यादा भी होता रहता है। तो यहाँ पे देखो मतलब कि जो इस 724 को यार मुझे यहाँ पे 64 डॉलर मिला था, देन 25 को 23, फिर 26 को 28 एंड 27 को यहाँ पे 28, फिर आज भाई यहाँ पे 5-6 डॉलर के आसपास बना है, ठीक है। अब देखते हैं ये रात तक कितना बनता है। और फाइनली यहाँ पे इस तरह से यार कुछ अर्निंग होता है, और सीपीएम रेट यार काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि पॉप एड्स होता है वहाँ पे, काफ़ी सारे भर भर के ऐड वगैरह आता रहता है, ठीक है। तो यूज़र यार क्लिक करता ही चला जाता है, तो इसमें आपको सीपीएम रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। मुझे यहाँ पे 1 डॉलर के आसपास भी सीपीएम रेट मिल चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा भाई। तो हम क्या करते हैं ना, 1 तारीख ले लेते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई, 1 डॉलर कहाँ गया, तो हम और भी पीछे चले जाते हैं यार। खैर छोड़ो यार, यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम जो सीपीएम रेट मुझे मिल चुका है गाइस, वो 1 डॉलर का भी मिला हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पे देखो 900, 800, 700, तो ये धीरे धीरे यार कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। जैसे एडसेंस में सीपीसी ऊपर नीचे होता है, सेम एज यहाँ भी वैसे ही कुछ होता है केसेस, ठीक है। तो इस तरह से यार यहाँ पे एड्स टेरा से अर्निंग होती है, और सचमुच यार यहाँ पे अर्निंग होती है। और जैसे मैं ये पेमेंट यार विड्रॉ करूँगा अपने बैंक अकाउंट में, उसका भी मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूंगा, ठीक है, किस तरह से विड्रॉल वगैरह होता है, यहाँ पे सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। देन आई होप गाइस आज की ये वीडियो यार आपको पसंद आया हो, और ये एड नेटवर्क आपको अच्छा लगा हो, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक है, मूवी की वेबसाइट है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस पर अगर अच्छा खासा ट्रैफिक है तो इसका आप यूज कर सकते हो। और किस तरह से यार मूवी वेबसाइट वगैरह बिल्ड करना है, इसके ऊपर मैं पूरा प्लेलिस्ट यार बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।